दोस्तों ये मेरे पास Realme C53 है और ये हमारे पास MI का टीवी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने Realme फ़ोन का जो स्क्रीन है वो मैं अपने MI के टीवी के साथ में शेयर करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके लिए आपको दो मोबाइल चाहिए होगा। ये हमारा Realme का फ़ोन है, इसको मैं अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और ये हमारा एक फ़ोन है जिससे हम इंटरनेट अपने इस वाले मोबाइल में और टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास दो मोबाइल होना चाहिए। एक मोबाइल में हमें अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करना है और वही इंटरनेट हमें अपने मोबाइल में और टीवी में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपने इस वाले मोबाइल में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सैमसंग का मोबाइल है। इसमें सबसे पहले हम अपने मोबाइल का यहाँ पर डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। इतना करने के बाद में अब हमें अपने इस वाले मोबाइल में सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा ये रियलमी का फ़ोन है, इसी फ़ोन का स्क्रीन अभी मैं अपने टीवी के साथ में शेयर करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने इस वाले मोबाइल में उस वाले इंटरनेट को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम वाईफाई को ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑन करने के बाद में यहाँ पर हम अपने मोबाइल में इंटरनेट सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में यही इंटरनेट हमें अपने टीवी में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब हम अपने टीवी में आएंगे और यहाँ पर अब हम अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपने टीवी में इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करना सीख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे टीवी में भी वो इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, Galaxy A03। यही इंटरनेट हमें अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में भी यही इंटरनेट कनेक्ट है। यानी हमारे मोबाइल में और हमारे टीवी में दोनों में सेम डिवाइस से इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में दोबारा से आना है और यहाँ पर हमें ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर हमें इस तरफ स्लाइड करना है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन। सिंपली हमें स्क्रीन कास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्रीन कास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपका जो MI का टीवी है वो शो हो जाएगा। जैसे मेरा MI का टीवी है तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है MI टीवी। उसके बाद में सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर टीवी दिख रहा है आपको कनेक्टिंग। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वहाँ पर आपके टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में शेयर हो चुका है।